केंद्र मंत्री आप सभी की अति प्रिय नेता भारतवर्ष में कांग्रेस की सीनियर लीडर श्रीयुक्त जयपाल रेड्डी जी, कांग्रेस की उम्मीदवार कोतवाल जी, मंच पे उपस्थित सभी कांग्रेस नेतागण, यूथ कांग्रेस, स्टूडेंट कांग्रेस, महिला कांग्रेस, माइनॉरिटी कम्युनिटी, सभी संप्रदाय की कांग्रेस की समर्थित सभी साथीगण और साथियों, अफसोस की बात है कि मैं तेलुगु भाषा में आप लोग को संबोधित कर नहीं पाता हूं, इसलिए आप लोगों की अनुमति हिंदी में कुछ बात आपका सामने रखना चाहता हूं। हालांकि आपका पास जो बड़े बड़े नेता है, जयपाल रेड्डी जी, पुनाला जी, आप लोग की सौभाग्य है कि ऐसे बड़े बड़े नेता आप लोगों की प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो न केवल महबूबनगर या तेलंगाना प्रदेश की नेता है, सारा देश में भी उन लोग का नाम है। आज सबसे बड़ा बात है आप लोग का और हम लोग का सामने तेलंगाना प्रदेश गठित हुई है और ये तेलंगाना प्रदेश जो गठित हुए है ये सिर्फ कांग्रेस की द्वारा और कांग्रेस की नेत्री सोनिया जी के लिए संभव हुआ है। कुछ लोग आज बोलते हैं कि हम लोग तेलंगाना राज्य गठन किया है, मगर आप लोग सभी को जानकारी है तेलंगाना प्रदेश गठित करने से पहले और गठित होने का बाद अगर बाहर प्रदेश में बाहर जगह में किसी को गाली पड़ता है तो सोनिया गांधी को पड़ता है, किसी को कोई गाली देता है तो कांग्रेस को देता है। ये कांग्रेस तेलंगाना प्रदेश गठित कर दिया, सोनिया गांधी को स्टैचू को तोड़ा जाता है, गाली देते हैं, मगर जब भावा लेना बात आता है, शाबाशी का बात आता है और गजरा माला लेना आता है, सब लोग आगे बढ़ जाता है कि तेलंगाना राज्य हम गठित किया है। साथियों, आज राहुल जी 21 तारीख को निजामाबाद और महबूब नगर आ रहे हैं। राहुल जी की तेलंगाना राज्य गठित होने का बाद ये पहला प्रोग्राम होगा। सोनिया जी करीमनगर आई थी और आप लोग सब यह सभा में, आम जनसभा में थे। आज प्रश्न ये है, कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि तेलंगाना राज्य गठित करके कांग्रेस राजनीतिक फायदा लेने के लिए किया है, मगर ये सरासर गलत है। कभी भी कांग्रेस पार्टी राजनीतिक फायदा हासिल करने के लिए कोई भी फैसला नहीं लिया है। आपको जानकारी है, जयपाल रेड्डी जी को जानकारी है, पुराना नेता है, जब राहुल गांधी पंजाब आकर साइन की थी पंजाब का मूवमेंट के बाद, राहुल राजीव जी को मालूम था कि पंजाब आकर साइन होने के बाद कांग्रेस को कोई फायदा नहीं मिलेगा, आसाम लेकर साइन होने के बाद असम का कोई नहीं फायदा मिलेगा, ना बीजो का एकर फायदा कांग्रेस को मिलेगा। ये जानते हुए भी कांग्रेस को मीजो असम पंजाब का एकड़ का फायदा नहीं मिलेगा,
फिर भी राजीव गांधी पंजाब एक्ट असम एक्ट मिजोरम एक्ट साइन किए थे और सोनिया गांधी ये जानते हुए भी कुछ प्रदेश में कांग्रेस को भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा और बाहर देश में अन्य प्रदेश में उसका रिपरकेशन होगा, फिर भी सोनिया गांधी जो वादा की थी कांग्रेस पार्टी मैनिफेस्टो में 2009 में 2004 में उसको पूरा करने के लिए तेलंगाना राज्य गठन किया है, फायदा लेने के लिए तेलंगाना राज्य गठन नहीं किया है। जो लोग तेलंगाना राज्य गठन करने के लिए पहले दस्तखत दिया है, चिट्ठी दिया है, फिर जब तेलंगाना राज्य गठन करने के लिए कांग्रेस वर्किंग कमिटी फैसला किया, फिर वो लोग बोलने शुरू किया ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। जो राजनीतिक दल बोले वो अपना राजनीतिक फायदा आंध्र प्रदेश में दूसरे प्रदेश में हासिल करने के लिए बोले थे, तेलंगाना राज्य गठित करने के लिए नहीं बोले थे। साथियों, आज समय आया है तेलंगाना आदिवासी जहां दलित लोग गरीब लोग ज्यादा रहते हैं, जो अपने अधिकार के लिए 48 साल तक लड़ाई कर रहे हैं, आज ये फैसला की घड़ी आ रहा है और आप लोगों को आज दिखाना है कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी जो सम्मान इज्जत तेलंगाना प्रदेश को दिया है वो सम्मान को आप वापिस देने के लिए, सोनिया जी को सम्मान देने के लिए, कांग्रेस को सम्मान देने के लिए, कांग्रेस उम्मीदवार को जिताने के लिए आप लोग एकता का साथ एकजुट होके सभी लोग कांग्रेस का हाथ चिन्ह में मोर दे के बटन दबा के कांग्रेस को और कांग्रेस का उम्मीदवार आपका सामने आपकी नेता देश की नेता जयपाल रेड्डी जी है, कोतवाल जी है, आपके प्रदेश के अध्यक्ष है, कई उम्मीदवार इधर है। सभी लोगों को हमारा ये अनुरोध है, अगर भारतवर्ष में तेलंगाना आदिवासी अपना सम्मान बढ़ाने के लिए जैसे सोनिया गांधी अपना बात को रख के तेलंगाना राज्य गठित किया, आज समय आया है आप अपना सम्मान को बढ़ाने के लिए, सोनिया जी के सम्मान के लिए, कांग्रेस की सम्मान के लिए अगला इलेक्शन में हाथ चिन्ह में बटन दबा के कांग्रेस को जय जुक्त करेंगे। इन अनुरोध का साथ मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद।